मैं काफी समय से बीमार चल रही थी, तो 11 साल हो गए थे सेंटर पे भी जाते हुए। तो मैंने एक दिन बाबा से पूछा, बाबा आपके बन भी गए फिर भी इतने बीमार कैसे चल रही हैं? तो फिर बाबा कई बार मुरलियों में कहता है, भाई ये तो अपने कर्मों का हिसाब किताब है, ये तो भोगना ही है सभी को। तो कहता है, अभी जो दवाइयाँ आप ले रहे हो कोई नहीं, फ्रूट समझ कर खा लो इनको। तो फिर मैं ऐसे चल रही थी। फिर एक दिन मैंने अश्विन भाई आए नरवाना से क्लास कराने, तो उन्होंने कहा कि भाई जीन में सीवर लग रहा है, तो जो भी बीमारी हो वहाँ अच्छे से ठीक होंगी, तो जिस भी भाई बहन को जाना चाहते जाओ, वो बगैर दवाई के ही बगैर एक्सरसाइज के ही इलाज करते हैं। तो मैंने सोचा, बाबा ये तो कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने अश्विनी भाई से कहा कि भाई मैं जाऊंगी, आप मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दो। तो मैं यहाँ आई, उस दिन मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैं सब दवाइयाँ घर छोड़ के ही जा रही हूँ, क्योंकि मैं दवाइयाँ बहुत चल रही थी, कम से कम अब मैं 18 टैबलेट रोज ले रही थी। तो मैं यहाँ आई तो एक भी दवाई लेके नहीं आई थी, खाली पेट ही आई। तो आज तक आज 5वां दिन है, मैंने एक भी टैबलेट नहीं ली है अभी तक, ना ही कोई सिर दर्द हुआ, ना बुखार हुआ, ना चक्कर आया, कुछ भी नहीं। तो बहुत लाइट लग रहा, बहुत हल्का फील हो रहा, मैं बहुत खुश हूँ। तो बाबा ने तो मन को स्वस्थ पहले ही बना दिया था, और NDS ने अब शरीर को भी स्वस्थ बना दिया है, तो मैं दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और जैसे पहले मैंने NDS के बारे में कभी सुना भी नहीं था, तो ये बाबा की कमाल ही है, जो होता है सही समय पर ही होता है। अब मैं बिल्कुल खुश हूँ।